तो तेज चलो तो फिर उसी का फायदा है ना वाक का। ये थोड़ा माँ को भगाओ, कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर वही हमारे पाकिस्तान में तो पता क्या कहते हैं, वो इधर पीछे कुत्ते लाओ, ऐसा बंदा भागेगा डर के कुत्ते। उससे भी नहीं रहता। हाँ वो भी डर खत्म हो गया इसका। शाबाश, जल्दी चलो, थोड़ा सा तेज चलना होता है ये। अरे मैंने अभी अपना पेट जो कम करना है तो वाक करूंगा तो होगा नहीं। मैं तो खा खा के, और इन 14 दिनों ने तो इतना खाया तो मेरा तो पेट ही फूल गया यकीन करें। चलो देखते हैं। वो इन पेट निकले है नहीं कहते, टेम्परेली अभी थोड़ा सोच गया ये ठीक हो जाना है। हदवाना उधर दी। अच्छा हाँ, मैं इधर बैठने वास्ते तैयार थी, पाकिस्तान च इधर पहने। चल ठीक है, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। आज इस गाड़ी पे पहली दफ़ा चल रहा हूँ, यानी अब आने के बाद, वैसे तो जाते रहे तो इसको मैं चेक वेक कर लिया है, एक दो चीज़ें इसकी सामने आई हैं तो उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह। अभी चला मैं रहा नहीं हूँ कि लेफ्ट राइट का उसका अभी थोड़ा सा देन बन जाए, पहले मैं साथ बैठ के फिर उसके बाद इसको ड्राइव करूंगा। अभी नहीं कर रहा मैं अपनी, अभी व्लॉगिंग करनी है नहीं। अब तुम लोग बस ये बेजार नहीं हो ना जल्दी से, जाहिर है मेरा अपने चैनल को मैंने डाय तो नहीं करना, यहाँ आ गया हूँ, उस चैनल को भी मैंने अपना कायम रखना है, और लोग चाह रहे हैं, लोग मुझे बहुत कह रहे हैं कि अंकल व्लॉगिंग करो। तो करो, सिवाय तुम्हारे ना, तुम्हारे व्लॉग तुम्हारा है, मेरा थोड़ी नहीं। वैसे तो लोग भी कह रहे हैं कि मामा दैद को इतना नहीं बनाना, बाकी बच्चों बच्चों अपना बनाओ, ये तो बात सही है। अच्छा तो राइड बनाना, मैनू ना भी लेके जाए घर चढ़ दे, मैं उत्थे बैठा अपना कुछ ना कुछ करता रहना, तू अपना जा। वो तो मैं खुद ड्राइव करूँ तो फिर उधर लगा दूँ ना अपना फोन। तो चले आज जी बिस्मिल्लाह करके, आज पहला, आज तीसरा दिन है मुझे क्वारंटीन से निकले, और गाड़ी में फर्स्ट टाइम आज अभी जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम 4 दिन में 3 दिन जब से आया हूँ। हाँ वॉक ही कर रहे हैं, और जाहिर है मामा जैद वही फिलहाल मैंने कहा वही चलाए, ताकि मैं वो राइट लेफ्ट वाला जरा थोड़ा ध्यान मेरा बन जाए। हम जा रहे हैं कॉस्को, आप भी आ जाए हमारे साथ। नहीं तो जो मैं दुनिया क्यों लेना था, मैं तो सबनों लेके जानी है। शाबाशी यार, मतलब हूं तो मैं आ गया ना। मैं तो सबनों लेके जानी, कल्ली कदे नहीं जानी। मैं अपने दस के उन्होंने, फिर उन्होंने कहनी आ जाए आप भी मेरे सब साथ। आ जाए, चलो ठीक है ठीक है। मैं ये तो बताना भूल गया कि आइए अब हम आज कॉस्को जा रहे हैं, आपको पता बहुत बड़ा होलसेलर का इसका, यानी तू मेरे कहे बगैर तुर दे कोई नहीं। इतना वो इतनी देर से एरो जला हुआ और वैसे खड़ी हो तो पीछे गाड़ी वाले ने अच्छा हॉर्न नहीं दिया अभी। तो मकसद मेरा कहने का कि वो खास पक्को तो हाउस होल्ड की जो छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, और मैं तो आसपास ये कह रहा हूँ कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले लो, स्टोरेज थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि ये जो अपना ये वबा शबा का इसका चक्कर थोड़ा सा और केसेस बढ़ गए, कोई पता नहीं है कि अगर लॉकडाउन कोई ऐसा सिलसिला ना करे, अगर होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएंगे बाद में। तो चलो देखते हैं, तो मैं क्या कहूँ, आ जाए आप भी मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ चलिए कॉस्को में। किधर गई बेगम, मेरी गुआच गई है, इस गली जा रही थी लेन। चलो कॉस्को में से हम ये ख़रीदारी आज कर रहे हैं, और काफ़ी चीज़ें ले चुके हैं। अब इसी बैक कैमरे में मैं ढूंढूँ कि मेरी बेगम लापता होगी, या अनाउंसमेंट कोई करवाऊँ, किधर गई है, हद हो गई। चलो देखते हैं,
और ये ग्रोसरी भी दिखाता हूँ कि कितना दिया है। ये देखें मैंने अपने मकसद की जो चीज़, ये 520 ग्रेड का जो है इसमें अकॉर्ड में ये डलता है, और तना की अकॉर्ड में भी ये है, जो दूसरे अकॉर्ड है उसमें भी ये है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन वैसे बैंक वगैरह का तो लेवल ड्रॉप हो ही नहीं रहा, शुक्र है लाइबा की जीप का भी नहीं ड्रॉप हो रहा, और उसको हम डीलर से ही सर्विस कराते हैं, तो उसके लिए दूर नहीं। लेकिन ये टॉप अप, फिर विंडशील्ड आप देखें, सर्दियों का मौसम आ रहा है, अगर किसी के नहीं देने में तो उनको भी ये फ़ौरन लेना चाहिए, विंडशील्ड फ्लूड जो है ये कम से कम आप 45-40 वाला ना लिया करें, बहुत सारे लोग 40 ले लेते हैं, तो 40 से वो फिर भी आइस जो है ना, वो जब बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर होता है तो वो साफ़ नहीं होती शील्ड आपकी, तो मिनिमम 45 वरना इससे ज़्यादा भी आ रहे हैं, मेरा ख्याल -50 या -55 का भी मिलता है, महंगा होता है लेकिन वो ज़्यादा। तो बाकी सामान इन्होंने जो घर की चीज़ें, ग्रोसरी है, जो ऑयल है, इटली है ये, और मिल्क है, ये कुकिंग ऑयल है, एग है, ये फिश है, वो हलाल इंजाम मिलते हैं, चिकन भी, ये वो है। अब अंदाज़ा करें ये हालत हो गई है, ये मास्क पहन के मैं बेगम को ढूंढ रहा हूँ, और ये खड़ी हैं यहाँ पे, मैं पूरी रो में देख लिया, सारी रो में देख लिया, लेकिन वो यही चीज़ें ये कनेक्ट कर दी, और मैं कह रहा हूँ पता नहीं कहाँ चली गई मुझे, मैं अकेला इधर खड़ा हूँ और अल्लाह जाने कहाँ गई, सामने खड़ी है। मैं तो सारे रोह के तलाश कर लिया, मैं क्या पता नहीं कितने पीछे चल रही, मैंने मैं क्या मैंने दसे बगैर पिछा मुड़ गई, तो मैं देख इन्नी देर तक खड़ा, और कैमरे च देख रहे हैं सारे, तू इत नाल खड़ी है तो पता ही नहीं लग रहा। हाँ तू तो कुछ नहीं खाती, वो तो इंतजार हो रहा, यकीन करें बड़ी थुके कंडा हो गई। मैं कहता तेरे उत्त पाकिस्तान से तो ड्राइविंग गाड़ी चलानी, कुड़ी गाड़ी बह रही है, गाड़ी जो निकल रही है, बंदा बह रहा है, बंदा निकल, ये बहुत दिखाउन है। मैं कहता तुझे जरूर गड्डियां दिखानी है दुनिया, काम वो मैं भी वही करन दिया, कार ही दिखाउन दिया मूवी, मैं तो दिखाना ही ना कि मेरा मैं गिफ्ट दिता दिन, वो तो मैं दिखाना दुनिया को, तू कहती रही दुनिया को कंजूस है, रैन मुकर जवाब दे सकती है मेरा, कर मुकर ड्राइव करा या तेरा ब्लॉग बना। मैं ये कहना ही चाह रहा हूँ, नया फोन तुमको मैं भी, मैं जिंदा हूँ 13 को, वो कह रहे हैं 13 नया आना है ना, ओह माय गॉड 13 नेक्स्ट ईयर आएगा, मियां बीवी का पता नहीं है, मैं तुमको नया ऑफर लेके देना 13, समझ गई, तुम्हारे वाला अपना जो है ये मुझे दे देना, ये है 12, ये 11 है, ये 11 है, 11 मुझे दे देना, 13 नया लेके दूंगा जब पाकिस्तान जाना ना, उससे पहले दो दिन पहले तुम फिर वो अपना ब्रो लिटरली ओके आई एम टेलिंग देम, मैं ये बता रहा हूँ कि पापा हैज आईफोन 10, पापा शुड गेट द 12, मॉम हैज आईफोन 11, मॉम शुड वेट वन मोर ईयर, बट मॉम सो स्पॉइल्ड दैट शी इज गोना गेट द 10, आई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट फोन, but you're also going to take it, but you're also going to take the 12, aren't you? She's like, of course, why would I reject? Did I say anything? क्या तुमने कोई खाना नहीं इसको दिया, ये तुम्हारे खिलाफ क्यों वो मनी वेस्ट में कर रहे हैं, मैं थ्रो कर रहे हैं अपनी वाइफ बेगम देते कर रहे हैं ना, तो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम, शी डजंट नीड इट, अननेसेसरी, मम्मा का फोन सिर्फ व्हाट 6 महीने नहीं 8 महीने हुए हैं, आप ये कह रहे हैं ये नया नाना इसी को चलाए, इसी को जी, और आप नया ले कदर शोर कर रही हूँ, नवा फोन लेके पंजाबी बोलूं आपको प्रॉब्लम हो जाए, उर्दू तो चलेगी मेरे खिलाफ पे तो उर्दू चलेगी, अब इसमें क्या फाइनली क्या होना है, मैं कह रहा हूँ 13 मामा ले ले नया, लास्ट ईयर इसको मैंने ये नया लेके देके गया, ठीक है ना, आप लोग विटनेस हो ना, फिर ये कहती मुझे कुछ लेके नहीं देता, नया फोन लेके दिया लास्ट ईयर 12, ये 11 है, अब आ गया जो नया आ रहा है ना,
वो अभी मैं जाने से पहले वो लेके दूं, ये मैं ले लूं, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी राय नहीं दो. मैं कह रही हूं कि आप 12 लें एंड मम्मा कीप्स दिस फोन. नया मैं नया फोन जो मैं लूं, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ नया फोन लें. आपका क्या राय, आपकी क्या राय? I think you should get the new phone. New phone. सवाल ये कि तुम दोनों ये अपनी माँ के खिलाफ क्यों हो गए? मुझे मम्मा के पास ब्रांड न्यू फोन है. वो देखो उसका मुंह, देखो आप देखो उसका मुंह रोने जैसी हुई हुई. आप लोग कहते नहीं लेना, नहीं लेके देना उसको नया. ये क्यों कह रहे? Why? मैंने आहिस्ता आहिस्ता देख रहा हूँ दोनों तुम्हारे खिलाफ बहुत बोलने लगे. कोई चीज है ऐसी? देखो एक फोन नहीं आसपास जो तुमको लेने. मैं तो कहता हूँ सामान बन मेरे नाम पाकिस्तान जा. जाते नहीं थे. देखो की रिस्पेक्ट बंदे दी, तेन फोन नहीं नवा लाके देने. अच्छा मैं लेके दे रहा हूँ, मुझे भी मना कर रहे हैं कि नहीं लेके दो. तू सोचते सही ना, सोचने वाली गल कोई होते तबसरा कर दे फटाफट ताकि मैं कैमरा बंद करा. है सोचने वाली गल नहीं है. मेरे नाल पाकिस्तान चार दिन कर लेने, दिमाग कितना सही होना तू देखे. सही है ना? सही बात. चलो अब तुम लोग मना करना कि 13 नहीं लेगी. मैं 13 का 12 नहीं लेगी. मैं देखो मैं तो नहीं लेके दिया ना फोन मैंने. इसको साथ ही चलो. ओह यार ठीक है. अजय आसवाय भी बड़ी गलत गल की थी. नहीं वो कितने खुश है, बोलो ठीक है ले जाओ. बोथ ऑप्शंस ठीक है. शाबाश. इन्होंने कहीं इन्होंने दसिया भी है. असि दोनों वो हैरान होंगे कि थोड़ी पंजाबी इन्नी अच्छी. मैं कह नहीं बहुत लोग ने है और बहुत ही कमेंट आए. कमेंट जाहिर है मैं फिर अप्लाई भी करता, मेरा काम बंद गया ते. लेकिन वो पहला ब्लॉग से मेरा देख फैमिली के नाल तो मसला बहुत अच्छा गया. तो हूँ हो सकता कि मैनू तीन काम करने पैने. एक तो मैं फोटोग्राफर चाहिए जो मेरा हूँ अगे वीडियो बनावे. एक मैं लाइट जरा ट्यूबलाइट लैके चले मैं वो चाहिए. बैटरी ऑपरेटेड ट्यूबलाइट है दो चीज़ा. और एक एडिटर मैंने चाहिए जो मेरी एडिटिंग चंगी करे. अगर इस तरह मेरी वीडियो जा रही तो ये तीन बंदे मैंने हायर करने पड़ने. चलो ट्यूबलाइट अगर मैं वाला ना भी मैं रखा तू है ना तू अगर ट्यूबलाइट तो घट भी तू भी तो ट्यूबलाइट ही है. बाकी दो चीज़ा मैंने करनी पैनिया. ये देखें जी पाए जो जैर ने बनाए थे उनको मैंने गर्म किया. ये नान गर्म किए हाँ तो बेटा देखना. मैं क्या तू पहलो कि तू अब तो मैं इन गर्म भी किया और जड़े है नान भी गर्म किए. फिर तू कहते देख लो मेरे को खुद मदद नहीं करता दे क्यों चलो नो बाबा इसको. थैंक यू सो मच. तू बच्चे की खिदमत करी जा मैं तेरी खिदमत करी जाना और मेरी खिदमत कर ले कोई और हो. ले तू बाइट कर. मैं तू की करन दिया सवेरे सवेरे. ए मैं जो 31 साल तो जड़ा कर रहे सवेरे सवेरे उठ के चाय कौन बनांदा. पौड़ियां चाह रखी की नहीं है जो चाह नहीं बना सके तू सवेर बैठा. मैं इदू पहलो के कवे मैं पहले बनाना फोन तो यकीन करे पाकिस्तान मेरे दोस्त मेरा तवा लाने बंदे रिकॉर्ड लाने समझ नहीं रिकॉर्ड तवा लाने जो बनाते उन्होंने जिद मेरे को घर आना ना तो उन्होंने एक बार मैं दस बैठा. मैं तुम तो इदा हार्ड लाने जिदा अस कहते की. मैं वो सीढ़ियां तो पौड़ियां तो जो उतरती है ना मैं अर्ली उठ के इतने बह जा आ जाता थले खबर खबर सुन लग गया बैठा हूं तो पौड़ियां तो आवाज लग जाए चाह रख दे फिर अगे आ. हूँ दोस्त की कर दे जिदे मेरे को आदि है ना उधर बाद एंटर होंगे ना जिदे बैठे. चलिए अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता है कि जैद बहुत अच्छी चाय बनाते हैं तो जब भी वो आते हैं तो सुबह की चाय फिर जैद का नाश्ते की जिम्मेदारी होती है. बहुत दिन आराम करा दिया 20 दिन आराम कर दिया जैद ने बहुत है तो साथ साथ चलते जाएं. आपको किस तरह के ब्लॉग देखने हैं जैद के साथ मेरे साथ तो आप कमेंट कर दें. तो यही समझ लें कि मेरा चैनल है जैद का तो नाम ही है कल ही. मेरे चैनल की कल रिपोर्ट देखी है कल तो. मेरी गल सुन नाले अपने तरफ मुंह करके बोलिया कर.
अच्छा मैं ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਫੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਸਲਾਮ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਦੇਖ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਕਹੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਛਾ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕਰਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਕਲ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਜੇ 15 ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਂਗੇ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਚੱਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਉਹ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇਕ ਰਸ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਖਾਧੀ ਖਾਈਦਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਕੈਨਟ ਥਿੰਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ 2-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਗੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਅਗਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜ਼ੈਦ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਚਾਚੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮਾਮੀ ਹੋਇਆ ਚਾਚੀ ਹੋਇਆ ਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆਮ ਬੁੱਕਡ ਸਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਨਾ ਯਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਆਮ ਬੁੱਕ 9 ਟੂ 11 ਵਿਦ ਉਜ਼ੈਰ ਹੁਣ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਏ ਵੇ ਉਜ਼ੈਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਰੈਡੀ ਆਮ ਕੁਕਿੰਗ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਟੁਡੇ ਗਾਇਸ ਫੇ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੇਰੇ ਵਲਾਗ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜ਼ੈਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ 2-4 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਥਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 13 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਆ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਜ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਹਾਫਸਲੀ ਪਾਈ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਟ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆ ਕਿ ਸਲੀਵ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਆ ਉੱਤੋਂ ਆ ਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਹਟਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂ ਨਾ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਇਥੋਂ ਨਾ ਰਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਤੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲਕੋ ਦੇਣੀ ਆ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਊ ਵਲੌਗਿੰਗ ਜਿੱਦਾਂ ਹਫਸਾ ਆਪ ਤੋਂ ਆਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਡਾਇ ਹੋ ਜਾਏ
मैं थोड़ी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देनी थोड़े लोगों ने। मैं चैनल अपना बिल्कुल मैंने सारे लोग कहते अंकल अपनी ब्लॉगिंग छड़नी नहीं। मैं क्या मैं बुढ़ी छड़ दूँ ब्लॉगिंग नहीं छड़ूंगा। तुम फिक्र ना करो ब्लॉगिंग नहीं छड़ता मैं। सही है।